ग्वालियर शहर के कंपू थाना क्षेत्र के कैंसर पहाड़िया इलाके में एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में शव मिला है। मृतक के पास से मिले आधार कार्ड और मोबाइल फोन के आधार पर उसकी पहचान रईस खान के रूप में की गई है। वो जनकगंज थाना क्षेत्र के हारकोटा सीर का निवासी बताया जा रहा है। शनिवार की रात उसने अपने घर से किराए के मकान पर जाने की बात की और तभी आधी रात तक कैंसर पहाड़िया पर रोड से वाहन सवार निकले लोगों ने कैंसर पहाड़िया के पास सड़क किनारे शव पड़ा देखा। उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस को परिजनों ने बताया कि मृतक जुआ खेलने का शौकीन था। वहीं परिजनों ने कुछ संदिग्धों के नाम भी बताए हैं। मामले में पुलिस का कहना है कि जल्द ही इस पूरे हत्याकांड से पर्दा उठाया जाएगा। हमारी जो FRB है उसको रात में एक व्यक्ति का शव मिला था संदिग्ध परिस्थितियों में, तो उसको हमने यहाँ मजदूरी में रखवाया है। अभी तहकीकात कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं हमारे कायम करके कि उसके साथ क्या घटना हुई है। PM के बाद ही क्लियर हो पाया। क्या लग रहा है तो वहाँ पे ऐसे कोई दुर्घटना या घटना के चांस नहीं थे। वहाँ व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में ही पड़ा हुआ था। संभवतः उसके साथ जो भी घटना हुई है किसी अन्य जगह पर हुई है, वहाँ जाकर उसको फेंका गया है। इस तरह के साक्ष्य आ रहे हैं और भी जो अनुसंधान में सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई करेंगे। तो करीबन 1:30 बजे के टाइम फ़ोन आया बेटी का, चाचा पापा का फ़ोन नहीं लग रहा, फ़ोन लग रहा है लेकिन उठा नहीं रहे पापा। तो मैंने बेटा अभी मैं लगा के देखता हूँ, मैंने भी लगाया फिर नहीं उठाया उन्होंने फ़ोन। तो उसके बाद फिर बिटिया बराबर फॉलो कर रही थी बेटी उनकी, वो रहते हैं खजानकी बाबा पे, हम लोग रहते हैं हारकोटा थी। उसके बाद उसने फिर फ़ोन लगाया बेटी ने, तो किसी ने फ़ोन उठाया। अब जब फ़ोन उठाया तो बात करी कि पापा कहाँ हमारे, तो उन्होंने बताया नहीं कि पापा के तुम अपने पासवर्ड बता दो मोबाइल का, तो पासवर्ड वगैरह अपने चेक। तो बिटिया को पूरी कहानी नहीं बताई, वो घबरा गई। वो तो वो कहने लगी हमारे चाचा से बात कर लो आप, तो कॉन्फ्रेंस पर लेकर मुझसे बात कराई। तो सर के हिसाब से उन्होंने बात करी मुझसे, मेरा नंबर लिया, नंबर लेके फिर उन्होंने फ़ोन कट कर दिया बिटिया वाला। उसके बाद मुझसे बात करी बाद में मेरे नंबर पर जब बात करी तो मुझसे बोले कि ऐसे ऐसे आप कैंसर पाड़ी की किम्स हॉस्पिटल के आगे जो घाटी पड़ती है उधर आ जाइए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने सर क्या बात हो गई ऐसी, तो बोले कि तुम आ जाओ, बस आ जाओ आप कंपू थाने तक आ जाओ, पर हम आपको ले लेंगे। तो मैंने ठीक है, फिर हम कंपू थाने आए तो वहाँ पर थे नहीं हो। फिर सर का खुद फोन आया, यही साहब का, उन्होंने बोला कि आप एक काम करो कैंसर पाड़ी की मिलना।